अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। और मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि इस प्रदेश में एक मुतबादिल सियासी प्लेटफॉर्म नहीं था, आज एक मुतबादिल और अल्टरनेट सियासी प्लेटफॉर्म मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन फराहम कर रही है। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अपना एक एक वोट का सही इस्तेमाल करिए और याद रखिए कि अगर आप अपना वोट बीजेपी के खिलाफ देना चाहते हैं तो जरूर दीजिए। बीजेपी की हुकूमत को शिकस्त दीजिए, बीजेपी के पार्टी को जरूर हराइए, मगर याद रखिए अगर आप कांग्रेस के साथ जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का अलायंस है अगर आप इनको वोट देंगे तो मैं आपसे बड़ी जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर रहा हूँ कि आपका वोट दोबारा उसी फिरका परस्त ताकतों के हक में वोट जाएगा। याद रखिए कि महाराष्ट्र में कांग्रेस ने शिवसेना के साथ इत्तेहाद करके वहां के जितने लोगों ने खास तौर से मुस्लिम अकलियत ने और हमारे सेकुलर जहन रखने वाले हमारे भाई और बहनों ने जोर दिया, महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी ने शिवसेना जैसी एक फिरका परस्त पार्टी के साथ मिलकर महाराष्ट्र में हुकूमत बनाने जा रही है। मैं आपसे अपील करने आया हूं कि अगर आप सही मानों में सेकुलरिज्म को जिंदा रखना चाहते हैं तो आप ना बीजेपी का साथ दीजिए, ना झारखंड मुक्ति मोर्चा या फिर कांग्रेस पार्टी का साथ दीजिए। यहां से शांति शांति गढ़वाल से भी हमारे उम्मीदवार डॉक्टर एम एम खान साहब है। मेरा सुबह में वहां पर प्रोग्राम था मगर हमारे सियासी दुश्मनों की साजिश की वजह से हम वहां पर नहीं जा सके, मगर मैं हमारे सियासी दुश्मनों से वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा और आपकी दुआओं से डॉक्टर एम एम खान जब कामयाब होंगे तो मैं जरूर वहां पर आऊंगा और आप तमाम का मैं शुक्रिया अदा करूंगा। इस विधानसभा से यहां से आप अशफी चंद्रवंशी साहब हमारे उम्मीदवार हैं, मेरी आपसे गुजारिश है कि अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए। ये झारखंड का जरूर एक असेंबली इलेक्शन है मगर ये हिंदुस्तान के उस रास्ते को तय करेगा कि ये मुल्क किस रास्ते पर जाएगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इतनी बड़ी रियासत है, इतना बड़ा यहाँ पर बजट है, मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि 14% मुस्लिम अकलियत की आबादी है और सिर्फ उनके तहफ्फुज़ के लिए, उनकी तरक्की के लिए, उनकी तालीमी पसमानदगी को दूर करने के लिए यहाँ की बीजेपी की सरकार ने सिर्फ 102 करोड़ रुपये मुख्तसस किए। आप बताइए ये आखिर ये कब तक नाइंसाफी चलते रहेगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं जिस रियासत तेलंगाना से आता हूँ वहां पर मुस्लिम अकलियत की आबादी यही 14% के बराबर है, मगर वहां पर मुस्लिम अकलियत और तमाम अकलियतों के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर 1000 करोड़ का सालाना बजट वहां पर मंजूर होता है। बताइए आप, यहाँ पर इतनी बड़ी आबादी अकलियतों की है मगर आपकी हमारी पसमानदगी को दूर करने के लिए इस बीजेपी की सरकार हो या माजी की सरकारों ने हमारा सिर्फ इस्तेसाल किया। अगर यहाँ से इस असेंबली के इलेक्शन में इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कराची असेंबली कामयाब होंगे
तो मुझे पूरा यकीन है कि अकलियतें हो, आदिवासी हो, कमजोर तबकात के लोगों के लिए मजलिस एक बेबाक आवाज बनकर उभरेगी। आज महाराष्ट्र के इस तमाम नतीजों के बाद जो वहां पर जो धोखा दिया गया, इसके बाद मैं आपसे अपील करने आया हूं कि अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए। जो कल तक मुझ पर इल्जाम लगाते थे कि असदुद्दीन ओवैसी इलेक्शन लड़ता है वोट काटने के लिए, असदुद्दीन ओवैसी पर इल्जाम लगाने वालों ये बताओ कि महाराष्ट्र में कैसे कांग्रेस शिवसेना की तारीफ कर रही है, किस बुनियाद पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस झारखंड की आवाम के सामने जाकर अपने वोट की भीख मांग सकती है। क्योंकि महाराष्ट्र में तुमने हमको ये कहकर वोट लिया कि महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना की हुकूमत को बनने नहीं देंगे। मैं आपसे अपील करने आया हूँ कि याद रखिए, अब कांग्रेस के दिल फरेब बातें हो या फिर मोदी के वो झूठे ख्वाब हो, इन पर आपको भरोसा करने की जरूरत। ये दोनों पार्टी नाकाम साबित हो चुकी हैं। आज बीजेपी के पास दिखाने को कुछ नहीं है, मगर अमित शाह झारखंड में आकर कहती है कि हम बहुत बड़ी मंदिर को तामीर करेंगे। हम अमित शाह से पूछना चाहते हैं, ये आदिवासियों का रियासत है, जुडिशियल प्रमोशन में क्यों एक आदिवासी यहाँ पर उसमें कामयाब होता है? अगर रिजर्वेशन आदिवासियों को है तो उनको उनका हिस्सा उसमें क्यों नहीं मिलता है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये आदिवासियों की रियासत, यहाँ पर 10,000 के करीब लोगों के ऊपर हिंदुस्तान से गद्दारी का सेडेशन का इल्जाम लगा दिया गया। आप बताइए, 29 जिले में 10,000 के करीब आदिवासियों पर इतना बड़ा मुकदमा लगा दिया गया, इसके ऊपर कोई आवाज नहीं उठाने वाला है। आप नागपुर का टेनेंसी एक्ट को उसको खत्म करके रख, कमजोर करके रख दिया गया। बीजेपी के पास दिखाने को कुछ नहीं है। आप जब इनसे पूछते हैं कि बताओ तुमने इस रियासत में गरीबी के खात्मे के लिए क्या किया, तुमने नौजवानों के रोजगार के लिए क्या किया, तो कहेंगे अपने कश्मीर से 370 का खात्मा कर दिया और हम मंदिर बनाने जा रहे हैं। अरे आप हुकूमत इसलिए तो नहीं कर रहे थे कि सिर्फ जज्बाती बातें कर लोगों में फिरकावारा मुनाफरत को फैलाया जाए? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हर मैदान में बीजेपी नाकाम साबित हो रही है। और मैं आपसे अपील कर रहा हूँ, मैं आपके दिल के दिलों में जो छुपे हुए जज्बात है, जो आपकी आंखों में एक उम्मीद है, हमारा मकसद एक ही है कि असेंबली इलेक्शन में लड़ने का, कि आपके ख्वाबों को पूरा किया जाए। मैं आपसे वादा करने आया हूँ, मैं झारखंड की आवाम से वादा करने आया हूँ कि हमको हमेशा सियासी तौर पर दबाया गया, माशी तौर पर हमारा इस्तेसाल किया गया और हमारी समाजी और तहजीबी तमाम चीजों को खत्म करके रख दिया गया। अगर आप सियासी तौर पर अपने आप को दबाने से बचना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि सियासत में, झारखंड की सियासत में आपका एक मुकाम हो, अगर आप चाहते हैं कि तरक्की के मौके, तालीम के मैदान में हमारे मासूम बच्चे और बच्चियों को मिले, अगर आप चाहते हैं कि आपकी तहजीब, आपकी जबान और आपकी सकाफत की हिफाजत हो, तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों का साथ दीजिए। यहां से याद रखिए, ये बीजेपी, जेएमएम और ये कांग्रेस का इत्तेहाद, ये सिर्फ वोट बटोरने के लिए है, ये सेकुलरिज्म के नाम पर हमको धोखा देती आए है। और बीजेपी बार बार कहती है कि हमने ट्रिपल तलाक को खत्म कर दिया। अरे तुम याद रखो, तुम कौन सा भी कानून लाकर जो चाहे करना है कर लो, मगर मैं अपनी जिंदगी को गुजारूंगा इस रास्ते पर गुजारूंगा जिसका हक हिंदुस्तान के संविधान ने मुझे दिया है। कहता है कि हम अपने मजहब पर चले, अपनी तहजीब पर चले, अपनी सकाफत पर फकर करें और इंशाअल्लाह ताला हम अपनी तहजीब और तमद्दुन की हिफाजत करते रहेंगे। रहा सवाल अमित शाह का, अगर झारखंड के इलेक्शन में आकर अमित शाह ने मंदिर की बात की, तो फिर क्या मैं क्या मस्जिद की बात नहीं कर सकता हूँ? बताइए आप, मंदिर की बात करते हैं। अरे 5 साल में आपकी बीजेपी के रघुबर दास की सरकार ने झारखंड की आवाम से धोखा दिया है, इनके लिए कुछ काम नहीं किया है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे एक ही गुजारिश है कि आज आपको होश के नाखून लेकर सोचना पड़ेगा
आप देख रहे हैं कि हर तरीके से नाइंसाफियों का हमको सामना करना पड़ रहा है, हर तरीके से हमको कमजोर करने की कोशिशें की जा रही है। अब तो बात हमारी शनाख्त पर आ गई, अब तो बात हमारी हर चीज पर आ चुकी है। इसलिए इस पुराशुभ दौर में ये जरूरी है कि आपकी एक बेबाक सियासी आवाज हो। सेकुलरिज्म की कामयाबी उस वक्त होगी जब यहाँ से आप अशरफी रघुवंशी को कामयाब कर दिखाएंगे। ये सेकुलरिज्म की कामयाबी होगी। सेकुलरिज्म की कामयाबी हरगिज नहीं हो सकती कि तुमने बीजेपी से नाराज होकर कांग्रेस और जेएमएम के अपने अपने हक में अपने वोट का इस्तेमाल कर दिया। ये तमाम के तमाम सेकुलरिज्म पर कॉम्प्रोमाइज कर चुके हैं। तारीख जानती है, आप जानते हैं कि यही जेएमएम ने एक वक्त बीजेपी का भी साथ दिया था। आज कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में उन तमाम लोगों को धोखा देकर शिवसेना को उकताईद कर रही है। कांग्रेस पार्टी भूल चुकी है कि बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद वही महाराष्ट्र और मुंबई की सड़कों पर क्या क्या नजारे आपको हमको देखना पड़ा। कांग्रेस पार्टी भूल चुकी है कि 93 जनवरी में किस तरह मुंबई की सड़कों पर हमारी बहनों को बेवा होना पड़ा, हमारे बच्चों को यतीम होना पड़ा। ये असदुद्दीन अवैसी नहीं कह रहा है बल्कि जस्टिस श्री कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट में मेरी तबाही की दास्तान लिखी गई थी। बुला दिया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे एक ही बात कहकर आपसे इजाजत चाहूंगा कि याद रखो, इस मुल्क की जमहूरियत में उसी को इज्जत की निगाहों से देखा जाता है, इस मुल्क की जमहूरियत में उसी से इंसाफ किया जाता है, इस मुल्क की जमहूरियत में उसी को उसका हक मिलता है जिसके पास सियासी ताकत होगी। तुम्हारे पास अगर सियासी ताकत होगी तो तुमसे इंसाफ मिलेगा। अगर तुम्हारे पास तुम्हारा एमएलए जीत कर जाएगा तो तुम्हारे बच्चों के लिए स्कूल खोले जाएंगे। अगर तुम्हारे पास आवाज होगी तो उस आवाज को सुना जाएगा। मगर याद रखो नौजवानों, मैं तुमसे अपील कर रहा हूँ, मैं बुजुर्गों से भीख मांग कर कह रहा हूँ कि 70 साल की नाइंसाफी के खात्मे करने का वक्त। तमाम पार्टियों का साथ दिया मगर बताओ, कभी अपने गिरेबान में झांक कर देखो, कभी अपने झोपड़ी में झांक कर देखो, कभी अपने टूटे घरों में झांक कर देखो, कभी अपने बच्चों को स्कूल की तालीम से महरूम होते हुए देखो। बताओ इसका राज क्या है? इसका राज ये की है कि तुम्हारी आवाज नहीं है, तुम्हारी पहचान नहीं है, तुम्हारी ताकत नहीं है। मैं आज यहाँ पर झारखंड को आया हूँ तो तुम्हारी आवाज को पैदा करने के लिए आया हूँ, तुम्हारी ताकत को की भीख मांग रहा हूँ। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुत्तहिद हो जाइए और अपने इत्तेहाद की ताकत पर अपने उम्मीदवार को कामयाब करिए। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन किसी मजहब के खिलाफ न थी ना रहेगी। आज आप देखते हैं कि महाराष्ट्र के सब इंतखाबात में दलित भाई हमारे कई वहां पर कार्यकर्ता मुंतखब हुए, इलेक्शन भी लड़े। खैर बहरहाल मुझे और जाना है, वक्त कम है। मेरी आपसे एक ही गुजारिश है कि अपना एक एकॉर्ड हमारे रघुवंशी साहब और एमएम खान साहब के हक में वोट डालकर इनको अपना नुमाइंदा बनाकर इनको झारखंड के असेंबली में भिजाइए, क्योंकि अब झारखंड के असेंबली में जब मजलिस के एमएलए जीत कर जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला वहां की खामोशी टूटेगी, वहां पर हमारे शेर जाकर गरीब और मुस्लिम आवाम की एक आवाज बनेंगे। शुक्रिया। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।